जा रहे हैं पेंटों पास। हम लोग आज जिस पहाड़ पे 4 साल निकाले उस पहाड़ पे वापस मूल स्थान पे जाने का मन हो रहा था। उस पहाड़ पे आया हूँ, इस पहाड़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है आध्यात्मिक जीवन में। सांसारिक जीवन का तो आता जाता रहेगा, समाज प्राप्त होगा, वियोग होगा, प्रेम से साथ में रहेगा, द्वेष होगा तो दूर होता जाएगा। लेकिन ये जो स्थाई साधना है, जो मूल तत्व माना है, शिवरात्रि आ रही है और इस जंगल में ये विंध्याचल की पहाड़ी है जहाँ बिजासन माँ नर्मदा का किनारा माना जाता है। बड़े बड़े साधु संत सिद्ध महात्मा हजारों साल की इस जगह पे विराजित रहते हैं। ऐसे जगह पे इस विंध्याचल भगवान ने अपने गोद में मुझे 3-4 साल तक रखा। महाशिवरात्रि के पहले कहते हैं कि ऐसे स्थान के दर्शन करना आपके जीवन की अलौकिकता और आध्यात्म की निकटता प्राप्त करवाता है। 11 तारीख को महाशिवरात्रि है। श्रोताओं, प्रयत्न करना कि अभी से महाशिवरात्रि के साथ में भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी से हम साधनात्मक रहे। हो सके तो रोज माला करना, ये शिव नवरात्रि भी कहा गया है। ये शिव नवरात्रि की शुरुआत हुई है, आज 9 दिन तक अभी और बचे हैं। तो इस शिव नवरात्रि में हम लोग एक समय का भोजन करना, ओम नमः शिवाय की माला करना, प्रयत्न करना कि हम लोग झूठ नहीं बोले। कोई 3 दिन की 11 तारीख के 3 दिन का अनुष्ठान करे, कोई 5 दिन का करे, कोई 7 दिन का करे, कोई 9 दिन का करे। अपने पूर्व जन्म के इस जन्म के सारे पापों का एक एक क्षरम नामम महापातक विनाशनम। कहते हैं कि यदद्वयक्षरम नामम मोक्षदाप। उन्होंने कहा कि शिव शिव भी अगर कोई कह दे तो उसको महेश धाम गौरवम पुनर्भवा नरान वै भी लोक यंति रौरवम। जहाँ महादेव 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 यो वदेत एकम मुक्ति वापनोति दाभ्यम शंभुरिणी भवेत। ये शिव महा नवरात्रि का सब लोग अनुभव करें। कोई 15 दिन से, कोई 21 दिन से, 31 दिन से, 41 दिन से, 51 दिन से, कई लोग इन महाशिवरात्रि के पहले से अनुष्ठान करते हैं। आज से हमारे पास 9 दिन बचे हैं, तो आप लोग सभी उस 9 दिन का आनंद की अनुभूति करते हुए आत्म तत्व में प्रवेश करने के लिए और इस सांसारिक जगत में जन्म लेने का सफल करने के लिए हम लोग शिव आराधना करें। मैं आज इसीलिए इस पहाड़ पे आकर मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो गुरुदेव हैं, उनके चरणों में यहाँ जिस पहाड़ में कई वर्षों तक दिगंबर रहकर अपने गोद में इस विंध्याचल में और साधु यहाँ के अदृश्य अदृश्य साधु संत महात्माओं ने मुझे जहाँ रखा है उनका आशीर्वाद लेने के लिए वापस पुनरपि उस पहाड़ पे आया हूँ। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और विंध्याचल के सभी दृश्य अदृश्य साधु संत महात्माएं देवी देवताएं माँ नर्मदा के तट पे बैठे हुए सबको प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मेरे श्रोता है भारतवासियों को आपका आशीर्वाद मिला रहे और उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति मिले, यही कामनाएं करता हूँ। बोलो विंध्याचल भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।